नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? ए वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। परफेक्टली फाइन, वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग गीतांजलि, हर्ष, निशा, मनोहर, रमेश, केशव, अभिमन्यु, नरसी, राहुल, तान्या, विकास, प्रिया, निखिल, शिवांक, शुभम, वेरी गुड इवनिंग। मनोहर, कौन सा बुक लूं? इंटरेस्ट आ गया है पॉलिटी के लिए भैया। ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और परीक्षा के लायक पढ़ना है और ठीक ठाक पढ़ना है तो परीक्षा वाणी करके एक प्रकाशन की किताब आती है, वो पढ़ लो, है ना। प्रकाश ओझा करके, वो कौन से ओझा हैं, पीके ओझा कौन सा ओझा है, उनकी किताब आती है ना, वो पढ़ लो। ए के पांडे, बहुत सारा आशीर्वाद, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, चलिए शुरू करें। हाँ विश्वरंजन रथ, बोलिए बेटा, क्या पूछना था? बिल्कुल ले सकते हैं, राम भारत प्रजापति, बैंकिंग और एसएससी दोनों साथ में ले सकते हैं। कुछ सीईटी करके सब्सक्रिप्शन आता है, वो देख लेना बेटा, है ना, उसमें सब कुछ हो जाएगा। हाँ वंशी का पीएम बख्शी बेटा, जरूरत हो तो लेके आना, कोई मतलब नहीं है, है ना। हाँ जी अमित दरगस सही है। सचिन कुमार सर, आज मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, एक साल पढ़कर आपके साथ बहुत ज्ञान हुआ, खास करके इंटरनेशनल इशू मॉर्निंग में, आपसे करंट पढ़ा, सीए में मेरा स्ट्रांग हो गया, आगे भी आपके साथ रहूंगा मॉर्निंग में, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं सचिन कुमार आपको। हाँ जी रीना एकदम बढ़िया हेल्थ है बेटा। मीनाक्षी सही है। हरिहर भाई, बीघा का मतलब एकड़ नहीं होता है, एकड़ से छोटी यूनिट होती है। मैं आपको एग्रीगेट तो फिगर मुझे ध्यान नहीं है, मैं देख करके बता दूंगा, कुछ तो होता है ढाई तीन या कुछ इस तरह का होता है ना। पीडीएफ कैसे मिलेगा निखिल? जब मैं अपलोड कर देता हूं उसी के बगल में तीन डॉट आते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। केतुल कुमार विश्वकर्मा बहुत बढ़िया बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा और विशाल कुमार का आज फर्स्ट डे है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आ जाइए। और क्लास के बगल में तीन डॉट्स दिए होते हैं, वहां से आप सब चीज पूछ सकते हैं। संतोष गुप्ता भैया बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम बहुत बढ़िया। चलिए तो अब शुरू करते हैं साथियों। आज हमारा जो है, मतलब आज का जो सेशन है बहुत खास है, क्योंकि कल हम लोगों ने आज ही के इस सेशन में जो है वो डीपीएसपी पढ़ना शुरू किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ना हमने शुरू किया था, है ना। तो आज हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने तीन प्रकार की चीजें सीखना शुरू किया था, सोशलिस्ट को सीखा था सोशलिस्ट के बाद में आज हम आपको टर्म और सिखाएंगे। सोशलिस्ट के आर्टिकल्स तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन सोशलिस्ट को मैं समझाऊं उसके साथ साथ मैं आपको दो चीजें और सिखा रहा हूं। उनमें से एक का नाम है गांधियन प्रिंसिपल और एक का नाम है लिबरल इंटेलेक्चुअल, है ना। तो सोशलिज्म के अंदर तो हम लोग अब तक ये सीख चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल सोशलिस्ट होगा जो समाज को ध्यान में रख करके बनाया गया, और समाज में बोले तो बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को, फिर धन की समानता को, बोले तो समाज को बना करके जो भी दिमाग में लाए गए आर्टिकल्स हो वो समाजवादी आर्टिकल्स हैं, वो हम एक बार लास्ट में याद कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम ये दो टर्म सीखने का प्रयास करते हैं, गांधियन प्रिंसिपल क्या है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, इन दोनों को आज समझते हैं, और समझ करके फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन तीनों में बांटते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। कुंतल निबंधोपाध्याय लिख रहे हैं कि सर क्या आपके नोट्स पढ़ने के बाद भी बुक पढ़ना पड़ेगा क्या? देखो बेटा, बुक की तो मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, है ना, मतलब बुक तो आपको मैं कभी मना ही नहीं करूंगा कि बुक मत पढ़िए, और मैं कह रहा हूं बुक चाहे कोई सी भी पढ़िए लेकिन बुक पढ़िए, क्योंकि
टीचर हमेशा साथ नहीं रहेगा, लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद से पढ़ करके सीखनी होंगी। हम लोग केवल सब्जेक्ट में, मतलब टीचर का केवल महत्व, चाहे मैं पूरी चीजें आपको रटा भी दूं तो भी इतना समझना कि हमारा काम केवल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना मात्र होता है, या यूं समझ लो कि आप लोगों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला करके जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना होता है सही मायने में। स्टडी जब आप फाइनली अधिकारी बनोगे वो खुद की पढ़ाई से बनते हो, ये कटु सत्य है। और खुद की पढ़ाई में जब तक बच्चा किताब नहीं पढ़ता, एडिशनल कुछ नहीं सीखता, या फिर उसको खुद से ये फीलिंग नहीं आती कि उसने भी खुद कुछ किया है, तब तक उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा, मेरी एक एक चीज इन नोट्स में कवर हो जाएगी, फिर भी अगर आप ये सुनना चाहो कि मैं ये कह दूं कि बुक मत पढ़ना, नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने खुद ने आज तक कभी ना तो कोई कोचिंग करी और ना कुछ किया। मैं खुद बुक्स का मतलब बहुत बड़ा दोस्त रहा हूँ, सिराने पे भी बुक्स ही रखी रहती है मेरे पूरे टाइम, जहां बैठा रहता हूँ वहां बुक्स होती हैं, और बुक्स को मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, है ना। चलिए तो आज हम जो आज सीखने जा रहे हैं साथियों, पहले हम उस टर्म को सीख लें, और फिर भी किसी को कुछ पूछना रह जाए तो क्लास के अंत में, आज थोड़ा क्लास 40 मिनट में ही ओवर करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कुछ भी बात ऐसी रह जाए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल के लिए हम समझते हैं गांधीयन प्रिंसिपल अल्टीमेटली है क्या। तो पहले मैं आपको सीधा आर्टिकल वाली लिस्ट पे ले चलता हूं जहां पे गांधीयन प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, और गांधीयन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है विलेज पंचायत, यहां लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री, यहां लिखा हुआ है वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशनल। ये हमें समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। एससी एसटी वीकर सेक्शन के लिए सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ क्लाउस वाटर काल्व्स एंड मिल्च एंड ड्रॉट, ये सारे के सारे आर्टिकल किसमें डाल रखे हैं, गांधीवादी प्रिंसिपल में। अब हमें कैसे याद करें, कैसे याद करें कि सर ये जो आर्टिकल है ये गांधीयन आर्टिकल है, कैसे याद करें। चलिए साथियों ध्यान से देखते हैं। हाँ जी जैस्मिन स्वाइन आपका हम देखते हैं कमेंट, आपने देखने के लिए बोल दिया है तो देख लेंगे, अब पढ़ लो लेकिन एक बार लास्ट में बात करेंगे। साथियों गांधीयन प्रिंसिपल को समझने से पूर्व मुझे आपको थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बताना है। हालांकि जिस प्रकार से कहते हैं कि गांधी जी को जितना समझोगे उतना जटिल होता चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी शख्सियत है, और अगर कभी दुनिया में बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ी तो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से आज मतलब बहुत बड़े बड़े हम लोगों को पूजते हैं उस तरह से ये पूजनीय होंगे। अभी तक तो नोट पे ही हैं, भविष्य में ये मतलब अगर बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ी और बुद्धिजीवियों की संख्या घटी तो शायद नोट पे भी ना बचें, ठीक है। तो दोनों ही बातें हैं, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं पहले समझने का प्रयास करते हैं। हम गांधी जी के साथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से फैलाए गए ज्ञान के आधार पर गांधी जी को इंटरप्रेटेट करते हैं, जिसमें गांधी जी को कह दिया जाता है कि भगत सिंह के समय कुछ नहीं बोले थे, या फिर पूना पैक्ट के समय इन्होंने गड़बड़ कर दी थी, कि मुस्लिम लीग के साथ समझौते में गड़बड़ कर दी थी। हम कमियां ढूंढते हैं क्योंकि हम खुद नेगेटिव व्यक्ति हैं, और अक्सर मैंने आपको एक लाइन बोली है कि विद्यार्थी जीवन में कभी भी अगर ये लगे कि मैं सकारात्मक हूं या नकारात्मक, इसका तरीका केवल एक है कि आपको सामने वाले में अच्छाइयां नजर आई या कमियां नजर आई। अगर आपको सामने वाले में अच्छाइयों और बुराइयां दोनों नजर आई तब आप एक मॉडरेटर हो, मध्यस्थ आदमी हो, लेकिन अगर आपको केवल कमियां ज्यादा नजर आए और अच्छाइयां नजर कम आए तो आप समझ जाना कि आपका व्यक्तित्व नकारात्मक है। आपको अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी पता हो लेकिन अच्छाइयों की वजह से आप उसको मानते चले तो वो आपका सकारात्मक रवैया है। फिलहाल के लिए मैं गांधी जी के ऊपर कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें। साथियों गांधी जी वाज़ दी पर्सन जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मेरा राज्य में विश्वास नहीं है। देश की आजादी के बाद में, देश की आजादी से पहले तो अंग्रेजों को लाठी से भगाया ही था, वो तो सभी लोगों को पता है, लेकिन गांधी जी ने राज्य में विश्वास नहीं है ये लाइन बोलने वाले वो पहले व्यक्ति थे। अब आप पूछेंगे कहां पर पहले व्यक्ति थे। भाई साहब आपकी इतिहास में जिसमें आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें आप सारी बातें पढ़ते हैं, वहां पर मेरे प्यारे साथियों गांधी जी के बारे में पढ़ा जाता है। कहने को तो बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी ऐसे हुए हैं जिन्होंने राज्य में विश्वास को नकारा है, लेकिन राज्य को प्राप्त करने के बाद उसको नकारने की अगर किसी में क्षमता हो सकती है तो वो गांधी जी ही हो सकते थे। मतलब सोचिए जिस चीज के लिए उन्होंने पूरा संग्राम किया, करो या मरो तक का नारा दिया, और फाइनली जब हिंदुस्तान को एज ए कंट्री प्राप्त कर लिया, शासन को प्राप्त कर लिया, उस समय कहते हैं कि मुझे राज्य में विश्वास नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब कि आप सब कुछ प्राप्त करके भी कहो कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। फिर आप सवाल बनता है कि भैया क्या है ऐसा गांधी जी के बारे में, क्यों ऐसा कहा करते थे। इनके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बताने का प्रयास करूंगा, और जितना भी आप यूपीएससी या किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे और इनकी आइडियोलॉजी को जानने का प्रयास करेंगे तो आप डेफिनेटली इस प्रकार की चीजों को समझ भी पाएंगे। इधर सुनिए साथियों,
राज्य गांधी जी की नजर में शोषण का साधन है। राज्य गांधी जी की नजर में शोषण का साधन, ये तथ्य है। और गांधी जी कहते हैं कि राज्य जो है वो शोषण का शासन तो है ही, शासन साधन तो है ही। और गांधी जी अपने आप को कहते थे कि मैं राज्य चाहता ही नहीं हूं, अर्थात मैं अराजकतावादी हूं। गांधी जी खुद को कहते थे कि मैं अराजकतावादी हूं, अर्थात अनार्किस्ट हूं। अब ये सवाल बनता है कि ये क्या होता है भैया। बात ऐसी है कि अनार्किस्ट का मतलब होता है जो राज्य में विश्वास ना रखे। फिर आप पूछेंगे, सर फिर तो यही चीज आतंकवादी भी चाहते हैं। आतंकवादी हुए या फिर अलगाववादी हुए, वो लोग भी तो यही लाइन बोलते हैं। फिर क्या अंतर रहा किस किस में, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में और गांधी जी में? फिर क्या अंतर रहा? फिर तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी तो यही कहती है ना। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी आप अराजकतावादी कहते हो। और हाँ सर, हमारे यहां तो हर दिन अखबार में एक चीज आती है, और वो ये लिखी आती है कि कुछ अराजक तत्वों को पकड़ा गया, अराजक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सर सुर्खियों में आता है हमारे यहां तो। तो आपने अराजक तत्व भी कह रखा है सर, और आपने कह रखा है गांधी जी भी अनार्किस्ट थे। तो सर कुछ समझ से ऊपर जा रहा है। अल्टीमेटली गांधी जी क्या थे सर, थोड़ा बताओ। हाँ, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली गांधी जी क्या थे। साथियों, सबसे पहले गांधी जी का कहना था कि मैं अराजकतावादी हूं, इसका मतलब यह है कि मैं केंद्र में सत्ता का विरोधी हूं। केंद्र में सत्ता का विरोधी। अब केंद्र में सत्ता का मतलब क्या होता है? केंद्र में सत्ता, जैसे आज आप देखते हैं, आप आज देखते हैं एनडीए सर, एनडीए का शासन है, पहले देखते थे यूपीए का शासन है। केंद्र में सत्ता का मतलब है कि मैं सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोधी हूं। केंद्रीयकरण का विरोधी हूं, अर्थात मैं चाहता हूं कि विकेंद्रीकृत सरकार हो। विकेंद्रीकृत, अब आप पूछेंगे कि विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? कि पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना हो जो देश के साथ कुछ भी कर दे, नोटबंदी कर दे या फिर पाकिस्तान पर हमला कर दे। यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले उसे देश की कोई ना कोई ताकत रोके। अच्छी बात है। मतलब देखिए, मैं किसी भी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप इसे प्लीज डायरेक्टली वो मत लेना। मैं केवल बोलने के लिए बोल रहा हूं चीजें। मतलब इसको ऐसे ले लीजिए, या फिर यो समझ लीजिए इमरजेंसी लगा दे। राजनेताओं का जो काम है, जो भी मेजोरिटी में आते हैं वो जो करते हैं, मैं वो बातें बोल रहा हूं। ठीक है सर। तो अब सवाल ये बनता है कि सर गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए? क्योंकि गांधी जी इस आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा मानते थे कि जब सत्ता केंद्रीकृत होती है तो वो शोषण का साधन बन जाती है। शोषण का साधन बन जाती है से मतलब हुआ वो दूसरों पर अत्याचार करती है। अब आप पूछेंगे अत्याचार किस पर करती है सर, हम पर तो नहीं हुआ? नहीं साथियों, अत्याचार ही है, क्योंकि आपने अपनी स्वतंत्रता मांगी थी। आपने स्वतंत्रता मांगी थी, और स्वतंत्रता के नाम पर आपने मूल अधिकार मांगे थे। आपने कहा था कि भैया मुझे और कुछ नहीं, मुझे मेरे देश में रहने का मूल अधिकार चाहिए, मुझे बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आने जाने की स्वतंत्रता चाहिए। आज देश की एकता और अखंडता के नाम पर मेरे बोलने को रोक दिया जा रहा है। मुझे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के नाम पर यह कह दिया जा रहा है कि आपके ऊपर जो मूल अधिकार हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि आपका बोलना रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड है। और जब रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड है तो उसमें कुछ भी डाल दिया जा रहा है। आप में से कुछ विद्यार्थी बफर बफर भी कर रहे हैं, उनकी भी सुन ली जाए। हाँ भाई बता दीजिए कि क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? परफेक्ट, ठीक है साथियों। तो जो 5% है उनका डेटा खत्म हो गया है। इंटरनेट जो है वो मतलब 4G की स्पीड से एकदम 1G पर आ गया है, इसलिए दिक्कत आ रही है ना। अच्छा, तो अब क्या है, आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर आपकी बातों को हम मानते हैं, आपने कह दिया मैं आपकी बात से सहमत हो गया, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए, आपने इस लाइन को समर्थन कैसे किया? गांधी जी के कथनों को आप कैसे मान सकते हैं कि गांधी जी ने जो कहा वो सही है? साथियों, हमने जो इतना लंबा संघर्ष किया ना, आजादी का जो संघर्ष किया, अंग्रेजों के समय हम ये मानते थे कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो अंग्रेज उस बोलने वाले अखबार को बंद करवा दिया करते थे, अंग्रेज उस बोलने वाली संस्था को बंद करवा दिया करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है
साथियों एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज। हाँ जी, तो फिर सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए, विशाल क्या बोल रहा है? विशाल को सब चुप कराने लग रहे हैं, क्या चक्कर है? निकल गया विशाल। चलो सुनो, हाँ जी अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्या हुआ साथियों, यहां पर समझने का थोड़ा सा प्रयास करें कि भाई जब हमने स्वतंत्रता मांगी अंग्रेजों के समय ऐसा हुआ करता था, अगर किसी समाचार पत्र ने सरकार के खिलाफ लिख दिया तो फिर सरकार के द्वारा समाचार पत्र पर ही रोक लगा दी जाती थी। क्या कहा जाता था? सरकार के द्वारा समाचार पत्र पर ही रोक लगा दिया जाता था, यह कहते हुए कि हम वर्नाकुलर भाषा में लिखी जाने वाली बातों को अलाउ ही नहीं करेंगे, और ऐसा होता था। तो फिर एक बात बताइए सर, जब आप उस समय एक्ट ले आते थे और आज भी सरकार ये कह देती है कि लोग जो हैं वो कुछ अफवाह फैला रहे हैं, ट्विटर से निवेदन है कि वो 100 लोगों के अकाउंट डिलीट कर दे, आज आप बोलते हैं कि ट्विटर से निवेदन है कि वो 100 अकाउंट डिलीट कर दे। वर्नाकुलर का मतलब स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भाषा। तो सरकार आज क्या करती है? वर्नाकुलर का मतलब स्वदेशी भाषा, ठीक है। आज क्या होता है? आज सरकार कहती है कि ट्विटर से निवेदन है कि 100 अकाउंट डिलीट कर दे या फिर उनको बैन कर दे अपने पास से, ठीक है। सरकार के द्वारा किसी भी राजनेता अथवा किसी भी छात्र नेता को केवल इसलिए पुलिस की प्रताड़ना में डाल देना क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि उसने राज्य के खिलाफ कुछ बोला, भाई साहब आप उसे NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये कहते हुए अंदर डाल देते हैं कि इसके इस प्रकार के भाषा से देश की अखंडता को खतरा है, देश की अखंडता को खतरा है, मतलब इसके भाषणों से, इसके वादों से संभव है कि देश के अंदर दंगे हो जाएं, और दंगों को ध्यान में रखते हुए आज हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को NSA लगाकर अंदर डाल दिया जाए। क्या आपको पता है साथियों, जब हम लोग आजादी मांग रहे थे ना, उस समय अंग्रेज हमें उसी एक्ट से अंदर डाला करते थे जिससे आज भारत सरकार डालती है। उस समय हमारे जितने भी राष्ट्रवादी हुआ करते थे, राष्ट्रवादी बोले तो जो महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल जी और उनसे पहले के भी जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, उन्हें NSA एक्ट के तहत ही अंदर डाल दिया जाता था। NSA एक्ट के मतलब, अरे बोले इसको अंदर डालो, बोले क्यों? क्योंकि ये बोलेगा और देश की जनता एक हो जाएगी, देश की जनता एक तो एक हो जाएगी, तो देश की एकता को खतरा है। एकता बोले तो अंग्रेजों को खतरा है, देश की जनता अगर एक हो गई तो अंग्रेजों को जाना पड़ सकता है, इसलिए उस राजनेता को ही अंदर डाल दो जो जनमानस को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है। आज भी तो कुछ ऐसा ही होता है, देश की एकता को खतरा है इसलिए इस राजनेता को अंदर उठा करके डाल दो, जिसमें वो ये मांग कर रहा होता है कि मुझे किसी ना किसी प्रकार के सरकारी करप्शन का भांडा फुड़वाना है, मुझे भ्रष्टाचार का पता लगवाना है, कोई भी मांग कर रहा हो उसे अंदर डाल दो। आज जैसा, मैं हालांकि पॉलिटिकल बातों में नहीं जाऊंगा, हाल ही में एक बिहार के राजनेता को उठा करके सरकार ने अंदर डाल दिया क्योंकि उसने 2 दिन पहले एम्बुलेंस एक्सपोज की थी, एम्बुलेंस एक्सपोज की और उसके बाद में उस विद्यार्थी को, उस व्यक्ति को उठाया और उसको कि भैया तुम कोरोना का लॉकडाउन तोड़ रहे थे, एम्बुलेंस एक्सपोज करने कैसे पहुंच गए, और उठाए और अंदर डाल दिए। ये क्या है? मतलब आपने राज्य ने राज्य होने के नाम पर जहां कस्में खाई थी कि वो जनता को फैसिलिटेट करेगी, आज राज्य खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है कि वो सत्ता में कैसे बने रह सके। जितने भी मुखर या प्रखर शब्द हैं, या तो उन्हें बंद करवा दिया जा रहा है, बोलती हुई बंद करवा दी जा रही है, और उन्हें एक बहुत ही कॉमन शब्द देशद्रोही से टैग कर दिया जा रहा है। ये देशद्रोही शब्द तो इतना ज्यादा हो गया है कि हाल ही में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया उसमें
भारत के खिलाफ बकायदा ये लाइन लिखी गई कि भारत में कुछ भी बोलने का मतलब है देशद्रोही हो जाना। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मतलब अभी जो हाल ही में आप लोगों ने सुना भी है, मैंने पूरा क्लास में पढ़ाया है ये कंटेंट, बकायदा पार्टी का नाम लेकर के उसमें कमेंट किया गया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने पूरी एक एक बात निकाल के रख दी कि ये है ये है, लेकिन वो किसी भी न्यूज़पेपर या मीडिया हाउस ने इस तरह से नहीं पढ़ाई। मतलब है क्या कि आप व्यक्ति का जो विचार है उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जब आप देखते हैं, आज कहीं पर भी पूरे देश के अंदर जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, आपको कोई भी न्यूज मीडिया के अंदर एक आम आदमी की बात सुनाई हुई नहीं दिखाई दे जाती। आपको क्या कहा जाता है, कई लोग समझदार लोग ये कहते हैं आपसे टीवी बंद कर दो क्योंकि टीवी पर कुछ ऐसा चल रहा होगा जो एक सेट प्रोपोगंडा होगा, क्योंकि धरती पर कुछ और ही हो रहा है और वहां पर कुछ और ही हो रहा है। अब अगर आप इस बात को समझते हैं तो फिर गांधी जी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने आज का करंट परिप्रेक्ष्य आपको समझाया। चलिए अब गांधी जी की बात सुनते हैं। गांधी जी ने देश की आजादी के समय कह दिया था, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं, राज्य नहीं चाहिए मतलब मुझे केंद्रीयकरण नहीं चाहिए, सत्ता का केंद्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। मैं कह रहा हूं ना, जितना गांधी जी को समझोगे उतने उनके भक्त हो जाओगे। आप कहोगे कि यार गांधी जी थे जो इतना पहले पहचान गए थे कि सत्ता करवाती क्या है, जिसके पास सत्ता आ जाती है ना साथियों, वो उसको जाने से रोकने की हर प्रकार का प्रयास करता है। आप दुनिया का कोई भी उदाहरण उठा के देख लो, शी जिनपिंग एक बार आया, दोबारा आया, तिबारा आया, फिर कानून में बदलवा दिया, ठीक इसी प्रकार से पुतिन आया, पुतिन बना रहा और चलता जा रहा है। उधर की तरफ नेतन्याहू आया, बना रहा, जिनको भी आप वर्ल्ड लीडर देख रहे हैं, जिनकी भी प्रशंसा इस धरती पर हुई है, वो बाद में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कुछ भी हद तक कर रहे हैं। आप उधर देख लीजिए, मैं इंडिया का उदाहरण ही हटा देता हूं, चलिए रशिया चलते हैं। रशिया में पुतिन आए थे लोकतांत्रिक तरीके से, आज आप देख लीजिए कि उन्हीं लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हुए उसने इतने कानून बदलवा दिए कि लोगों को लग रहा है कि लोकतंत्र चल रहा है, क्योंकि हर एक चीज मैनेज की गई। रशिया को उठा के देख लो, बाकी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आज आप देख लो कि रशिया के अंदर अलेक्स नवेलनी, आप सोचिए इतना बड़ा देश, इतने बुद्धिजीवियों का देश, उसमें कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही है राज्य, जो शोषण का साधन हो जाता है जब ये सत्ता पाता है। गांधी जी ने इसीलिए उस समय कहा कि भाई मैं ये नहीं चाहता। फिर नेहरू जी पांव में पड़ गए, बोले गांधी जी आपने डायलॉग तो सही मार दिया, लेकिन अब मुझे ये भी बता दो कि फिर मैं करूं क्या। भाई आपको देश आजाद करवाना था, करवा दिया, अब छोड़ दें इसको, चलें अपने अपने, हरे रामा हरे कृष्णा करें, बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या करें, क्या अब देश आजाद हो गया, अब करें क्या। बोले हाँ यार, अब ये तो बात सही है। तो गांधी जी ने कहा नहीं, मैं चाहता हूं जनता को शासन दे दो। बोले किस जनता को गांधी जी शासन दें, आप ये बताइए। बोले भाई जिस जनता ने अभी देश को आजाद करवाया है, इसे शासन दो। बोले अर्थात, बोले स्थानीय स्वशासन दो। आप सत्ता में क्यों बैठना चाहते हो, मतलब क्या नेहरू तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि तुम पूरा भारत चला लोगे, नहीं जमती यार ये बात। और तुम चला भी लिए तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां चला लेंगी, इसका क्या भरोसा है। कौन राजनेता ऐसा होगा जिसको कि राजनीतिक स्ट्रगल याद होगा, जनता के हाथ में शासन सौंप। जब नेहरू जी को यह बात पता चली तो उनके भी मन में यार कि यार इतनी मेहनत करके देश को अभी मतलब आजाद करवाया है, और अब जब पद बनने का समय आया उस समय सारा पूरा मामला फैल गया। नेहरू जी ने गांधी जी से कहा, चलो मैं आपकी बात समझ लेता हूं, आप कहना चाहते हो कि मैं एक ऐसी चीज शुरू कर दूं जिसको अभी तक भारत वालों ने देखा ही नहीं। बोले क्यों नहीं देखा, लॉर्ड रिपन के समय पर देखा है। बोले अच्छा, लॉर्ड रिपन के समय पर जो आप नगरीय स्वशासन बोलते हैं गांधी जी, वो कुछ छोटे मोटे नगरों में था, कुछ पर्टिकुलर जगह पर था। क्या इस संपूर्ण भारत में जिसकी लिटरेसी रेट 30% से भी नीचे है, इसको ये पता भी है कि शासन होता क्या है, फाइलें चलाई कैसे जाती हैं, फाइलें बनाई कैसे जाती हैं, हैं बाबुओं से काम कैसे करवाया जाता है। ऐसे तो फिर गांधी जी ऐसा होगा कि हम गांवों के अंदर बैठ जाएंगे और गांव के लोगों से कह देंगे कि भैया ये तुम सरकार चलाओ, वहां के दो चार पढ़े लिखे लोग, जैसे आज जमींदार लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऐसे फिर पढ़े लिखों का कब्जा हो जाएगा। गांधी जी को बात समझ गांधी जी को बात समझ में आई। बोले यार मुद्दा तो भाई तुमने सही उठाया है, लेकिन यार मैं जो चाहता हूं वो तो अलग चीज है, तुमको पता चल गया ना कि मैं चाहता क्या हूं। बोले गांधी जी बात आपकी सारी सही है, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि क्या देश में आपको लगता है कि
आज एक नया चीज लेके अपन आते हैं, ताजा तरीन बन करके आती है। अपन लोगों से कहते हैं आज से शासन तुम्हारा होगा, तो गांधी जी वो आपस में लड़ मरेंगे। उनको यही समझ में नहीं आएगा कि एक गांव कौन सा है, दूसरा गांव कौन सा है, वो समझेंगे कि हम आजाद हो गए। ये बिल्कुल वैसे हो जाएगा, एक बार देवताओं के बीच में और दानवों के बीच में लड़ाई हुई तो लड़ाई थी कि लड्डू कौन ज्यादा खाएगा। तो फिर एक पंच बिठाया गया, पंच कोई देवता था, उसने कहा कि भाई देखो जिसको लड्डू खाना है खाए, सारे लड्डू खा सकते हो, लेकिन खाने की एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? खाएगा वही जो अपने लड्डू को सीधा हाथ में, मतलब बिना हाथ मोड़े लड्डू खा सके, बोले ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं, लड्डू तभी खाया जाएगा, लड्डू सारे रखे हैं सामने, वही खाएगा जिसके सामने, जो बिना हाथ मोड़े लड्डू खाए। अब कुछ ने राक्षसों ने क्या किया, लड्डू यों लेते और धम से उछालते और फिर उसके नीचे नीचे गांधे घूमते फिरते। अब वो फिर इधर से उधर साहब लोग फैलता फूलता हुआ, लेकिन अंत में फिर देवताओं को देखा, वहां पर एक भी लड्डू नहीं फैला। तो फिर देखा कि भाई देवताओं ने ऐसा क्या किया है। देवताओं ने कहा क्या किया, एक सामने देवता बिठा लिया, खुद बैठ गए, एक लड्डू उठाता वो उसके मुंह में डाल देता, वो दूसरा लड्डू उठाता इसके मुंह में डाल देता, बस सीधे हाथ से सप्लाई हो रही थी, इधर से उठाया उधर, उधर से उठाया इधर, लड्डुओं की सीधी सप्लाई हो रही थी। मतलब भाई प्रशासन जो है वो समझदारी के ऊपर आधारित होता है। आपने लड्डू दे दिए, लेकिन इन लड्डुओं के नाम पर कोई कैसे उछालता हुआ फिर रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई ये फैल गए। बोले हाँ, तो गांधी जी को समझ में तो आई बात कि अभी जो स्थिति है पूरे देश की वो दानवों से कम नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है देश होता क्या है। इनको कह भी दिया तो ये लड़ मरेंगे कि ये गांव मेरा, तो फिर मुसीबत हो जाएगी। फिर गांधी जी ने एक प्रॉमिस लिया, बोले यार नेहरू एक प्रॉमिस चाहिए फिर मुझको। बोले हाँ बताओ। तो ये प्रॉमिस दे कि जब देश आजाद हो जाएगा, आजादी के बाद में देश बड़ा हो जाएगा, देश में लिटरेसी तो बढ़ाने का काम करेगा ही। बोले गांधी जी मैं लिटरेसी का भी वादा कर रहा हूं आपको कि लिटरेसी बढ़ाऊंगा। और बोलो। बोले लिटरेसी का वादा बढ़ाएगा, देख लिटरेसी से मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों में राजनीतिक समझ विकसित करेगा पहले ये बता। बोले चलो ये वादा रहा, लोगों में मैं राजनीतिक समझ विकसित करूंगा। बोले ठीक है, राजनीतिक समझ विकसित करेगा ना, तो मुझको एक वचन चाहिए कि अपने देश के अंदर स्थानीय स्वशासन की स्थापना करेगा, ये मुझे तू वादा कर। बोले गांधी जी वादा कर सकता हूं लेकिन अधिकार नहीं दे सकता। मतलब समझना, मैं वादा कर सकता हूं लेकिन अधिकार नहीं दे सकता, अर्थात मैं आपको मूल अधिकार नहीं दे सकता, मैं नीति निदेशक तत्व में डाल सकता हूं, जब परिस्थितियां आएंगी मैं दे दूंगा। अधिकार क्यों नहीं? अरे अधिकार दे दिया तो फिर लोग लड़ने लगेंगे, क्योंकि समझ ही नहीं है, चच्चा खेला नहीं है भाई। देखिए चच्चा भी कम इंटेलिजेंट नहीं था। अगर मैं आप मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के कभी भी डिबेट करते रहना कि मैं कौन सी पार्टी का समर्थन, तो हूं नहीं हूं वगैरह वगैरह, लेकिन हां मैं कुछ लोगों को